गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ओलंपिक में इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज महज दूसरे भारतीय बने। नीरज की उम्र महज 23 साल है और इस मेडल को जीतने के लिए उन्होंने जमकर मेहनत भी की थी। नीरज टोक्यो ओलंपिक से पहले इंस्टाग्राम पर आए दिन अपने फिटनेस के वीडियो शेयर करते रहते थे। वैसे तो नीरज की फैन फॉलोइंग पहले भी कम नहीं थी, लेकिन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद ये कई गुना बढ़ गई है। एक इंटरव्यू में जब नीरज से गर्लफ्रेंड और लड़कियों के बीच उनकी लोकप्रियता को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने अपने जवाब से सबका दिल जीत लिया। ये इंटरव्यू में जब नीरज से कहा गया कि वह तमाम लोगों के लिए हीरो बन गए हैं, खासकर लड़कियों के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये सब अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल मेरा ध्यान सिर्फ मेरे गेम पर है। नीरज से जब पूछा गया कि क्या उनकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो उन्होंने शर्माते हुए फिर से वही बात कही कि अभी पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मेरे गेम पर है। इसके अलावा जब नीरज से पूछा गया कि उन्हें कैसा लग रहा है कि वे अब स्टार बन चुके हैं, इस पर नीरज ने कहा कि वह बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके अंदर वह स्टार वाली फीलिंग आए। इस फीलिंग से बचने के लिए उन्होंने कहा कि वह अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देंगे। नीरज चोपड़ा ने कहा कि स्पोर्ट्स में स्टार वाली फीलिंग आना किसी भी खिलाड़ी के लिए थोड़ा खतरनाक हो जाता है। नीरज ने आगे टूर्नामेंट्स भी गिनाए और साथ ही कहा कि 3 साल बाद पेरिस भी जाना है। जब नीरज से कहा गया कि पेरिस में भी गोल्ड मेडल जीतना है, तो इस पर उन्होंने बड़ी ही शालीनता से कहा, जी वो तो टाइम पर पता लग जाएगा, लेकिन अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।